आप देख रहे हैं एफ्टी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप फोर ऐसी वेबसाइट्स जहाँ से आप अपना बैकलिंक बना सकते हो। और इन वेबसाइट्स की गाइज मैं आपको डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग 80 के ऊपर है, तो गाइज यहाँ से अगर आप बैकलिंक बनाते हैं तो अपनी वेबसाइट पर अच्छा से खासा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर पा पाएंगे और रोज़ का आपका 5 से 10 हज़ार का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगा और आपकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी होगी। तो यही सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है और कहाँ से आप बैकलिंक प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है isachandra.com, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डोमेन में। तो गाइज इसकी जो रैंकिंग है सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डोमेन रेटिंग इसकी 68 है। तो गाइज और देख सकते हैं कितनी बड़ी वेबसाइट है, इसके 5 लाख से ज़्यादा तो बैकलिंक्स बने हुए हैं। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और यहाँ से अगर आपको बैकलिंक मिलता है तो काफ़ी अच्छा आपकी वेबसाइट पर अफेक्ट होगा इसका। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है वेबसाइट पर और यहाँ पर आके आपको सिंपली रेसिपीज़ के सेक्शन पे सेलेक्ट कर देना और यहाँ पर इनके कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं जिन पे आपको जाके कमेंट करना है और उससे बैकलिंक्स बनाना है। वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो आपको कोई भी एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, पर आप देख सकते हैं कि पूरा पोस्ट खुल गया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये सारा फिलअप करना है, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ फिल कर दिया, यहाँ पर वेबसाइट का नाम अपना दे दिया है। सिंपली अब आपको पोस्ट कमेंट के बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका जो कि बैकलिंक है वो बना दिख जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइज जैसा कि देख सकते हैं ये वेबसाइट, मेरी वेबसाइट खुल गई है यहाँ पर वहाँ के बैकलिंक से, तो ये मेरे वेबसाइट पर अच्छा प्रभाव इसका होगा। देन गाइज जो सेकेंड वेबसाइट है वो है eetimes.com, इसकी भी डोमेन रेटिंग काफ़ी अच्छी है और आपको यहाँ से बैकलिंक एक मिल जाएगा बहुत आसानी से। आपको सिंपली क्या करना है, एक आपका अकाउंट यहाँ पर आप बना लेना है, ईमेल आपका डाल के और कुछ नेसेसरी थिंग्स डाल के आपको आपका अकाउंट बना लेना है। देन इसके बाद आप अपने अकाउंट सेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको एडिट योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आना है और यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट का लिंक देना है या किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हैं जिसे आप रैंक करवाना चाहते हैं, जैसे आपका पोस्ट हो गया। इसे जब आप खोलेंगे यहाँ पर ओपन लिंक न्यू टैब पर, तो यहाँ पर आपका एक वेबसाइट खुल जाएगी जैसा कि देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है। अब यहाँ पर से आप कोई भी आर्टिकल को या पोस्ट को रैंक करवा सकते हैं गाइज, और यहाँ पर आप सिंपली एडिट योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आके यहाँ पर आप कोई भी लिंक दे सकते हैं, पर एक से ज़्यादा लिंक्स ना दें क्योंकि ये बैन कर सकता है ये अकाउंट आपका, तो इसका ध्यान रखें। तो गाइज अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी डोमेन रेटिंग कितनी है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं 82 है इसकी डोमेन रेटिंग और बैकलिंक्स तो गिन ही नहीं सकते, इतनी सारी बैकलिंक्स है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डू फॉलो बैकलिंक्स है। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा आपके वेबसाइट पर इफेक्ट होगा अगर आप यहाँ से एक बैकलिंक्स लेते हैं। तो गाइज जो थर्ड वेबसाइट है वो हमारी है mogul.com, जैसा कि आप देख सकते हैं लिंक पे, यहाँ पर भी आपको अपना एक अकाउंट बना लेना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको छोटे छोटे पोस्ट लिखने होते हैं 30 से 40 वर्ड के और वहाँ से आपको एक डू फॉलो बैकलिंक मिल जाती है जो कि आपकी वेबसाइट को काफ़ी अच्छे खासे विजिटर्स आपको दे देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिंक एक दे दिया और यहाँ पर देख सकते हैं 10 व्यूज़ आज के मेरे हो चुके हैं, जैसा कि आप मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दिया हो गया है। तो गाइज अब मैं आपको इसकी डोमेन रेटिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं 75 इसकी डोमेन रेटिंग से और बैकलिंक्स भी ज़्यादा हैं इसके, और वहीं 94% डू फॉलो बैकलिंक्स है जो कि अगर आप यहाँ से वेबसाइट पे अपना एक बैकलिंक बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। देन गाइज इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वेबसाइट है और जो फोर्थ वेबसाइट है इसका नाम, इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप यहां से भी एक बैकलिंक बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली किसी भी पोस्ट के कमेंट में जाके अपना कमेंट लिखना है। यहां पर आपको कोई भी आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली किसी भी पोस्ट के नीचे जाके आपको अपना एक कमेंट लिखना है। जैसा कि मैं देख सकते हैं मैंने सारा कुछ फिल किया हुआ है, अब आपको यहाँ पर कमेंट में कुछ भी कमेंट कर देना है, पर इसे फिल करना है तो मैं जल्दी से इसे फिल कर देता हूँ। तो गाइज देख सकते हैं अब जैसा कि मैंने अब कमेंट कर दिया है, अब आपको नीचे आके मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से नाम से मेरा एक बैकलिंक यहाँ पर बन चुका है मेरे वेबसाइट का। अब इसे कोई भी क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और मेरे वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 66% इसकी डोमेन रेटिंग है जो कि इस वेबसाइट को और ख़ास बनाती है, और आपको बैकलिंक यहाँ से लेने के लिए ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। तो गाइज आशा करता हूँ आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप, तो थैंक यू गाइज वीडियो के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो आर्टिकल लिखा है कि कैसे अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक पाएं, कैसे कीवर्ड रिसर्च करें, इसे भी आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो थैंक यू गाइज, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।